जी 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 भाई साहब, देखिए मेरे पास जो कूलर आए हुए हैं वो हैं कमर्शियल और इम्पोर्टेड, और एक कूलर की कीमत है MRP पे 15,000 रुपये। अब आप तो अपने आदमी हो भाई साहब, तो 100-200 रुपये ऊपर रख के ही दे देना हमें, ले लेना कूलर। जी 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 ठीक 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 है यार, कूलर मत लो, गाली तो मत दो, लेकिन अब दो गई यार गाली वगैरह। कितने का है ये वाला कूलर? 12,000 रुपये का है MRP रेट पे। अगर तुम्हें लेना है तो 100-200 रुपये ऊपर रख के दे दो। MRP रेट से भी ऊपर दे रहा है तेरी? अरे रुको, गाली मत दो। वो देखो बच्चा हमारी वीडियो देख रहा है, क्या असर पड़ेगा उस पे? बेटा गाली वाली वीडियो नहीं देखते, कूलर के रेट पसंद नहीं आ रहे तो कहीं और से ले लो। चलो निकलो यार। दुकान तो अच्छी है। अरे छोटू देखे जरा वो टोली आई है, सामान दे उसे, क्या क्या चाहिए। जी सर बताइए क्या चाहिए, कूलर, फ्रिज, AC, पंखे, LED। भैया हमें चाहिए कुछ नहीं, हम लोग वीडियो बनाते हैं, कॉमेडी वीडियो, तो तुम्हारी दुकान हमारी उस वीडियो के हिसाब से परफेक्ट बैठ रही है, क्या बना ले वीडियो हम? इस चीज की परमिशन तो आपको मालिक देंगे, अगर मेरी पूछो, मैं इस दुकान का मालिक होता ना तो तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाल देता, बाकी मालिक से पूछ लो। देखिए अरे सर इसकी बात का क्या बुरा मानेगा, ये दिहाड़ी का मजदूर आदमी है। चलो सर से बात करते हैं। हाँ जी बताओ। सर हम हैं कंटेंट क्रिएटर और हम वीडियो बनाते हैं, जैसे कॉमेडी वीडियो, इंटरटेनमेंट वीडियो, तो हमारे पास जो स्टोरी थी उसमें आपकी दुकान बिल्कुल परफेक्ट मैच खा रही है जैसा हमने अंदाजा लगाया है, तो हम आपकी इस दुकान में वो वीडियो शूट करना चाह रहे हैं, तो क्या कर लें शूट? वीडियो शूट? ये कैसा काम है यार, कमाई वगैरह हो जाती है सही इसमें? सर कमाई वगैरह तो कहाँ सर, इतनी कमाई नहीं है, बस कोई अपनी खुशी में दे देता तो रख लेते हैं। अच्छा देने वाली बात आ गई क्या, चलो इस टॉपिक को चेंज करो। देखो वीडियो तो तुम मेरी दुकान पर शूट कर लो, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? देखो वीडियो बनाओ मेरी दुकान में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस वीडियो में मैं भी आऊंगा, मतलब मुझे भी रोल चाहिए। बिल्कुल सही फैसला है मालिक, वीडियो बनेगी, वीडियो में तुम भी आओगे और फेमस हो जाओगे, जबी तो हमारी दुकान भी चलेगी। चलो 5 मिनट दो हमें, जरा मैं एक बार टीम से मशवरा कर लूं। ओके बिल्कुल बिल्कुल कर लो। देखो जो स्टोरी हम शूट करने के लिए आए थे, अब अगर इसे भी लेते हैं दुकान वाले को तो वो शूट नहीं होने वाली, स्टोरी खराब हो जाएगी, लेकिन मैंने एक स्टोरी बना दी हैंड टू हैंड अभी। अरे ससुर जी वीडियो में रोल मिल गया मुझे, बहुत जल्दी वीडियो में भी देखोगे। अरे मालिक ससुर साहब बाद में बात करना, उधर तो देखो कैसी प्लानिंग चल रही है, मुझे लग रहा है बहुत ही तगड़ा रोल मिलेगा। अरे रोल मिलेगा कैसे ना, थिएटर कर रखा मैंने। अच्छा जी तुम थिएटर आर्टिस्ट है? अरे वो वाला थिएटर नहीं, जैसे घर पे अभी तक भी मेरे को कोई मेरी जरूरत की चीज ना देना तो थिएटर कर दूं मैं। मालिक बढ़िया रहेगी ना स्टोरी, ठीक है ना, तैयार हो ना? तो हम तैयार हैं सर, आप एक काम करो, मैं आपको चीजें समझा देता हूँ, तुम खड़े होकर वहीं पहुंचो जहाँ तुम काम कर रहे थे। चलो जैसे इस वीडियो में मैं मालिक हूँ, ठीक है ना, तो मैं तो बैठूंगा यहाँ, अब आप आ जाओ, आप कहाँ पर होगी जगह, आओ जल्दी आओ। देखो ये कुर्सी है, आप यहाँ बैठे हो, ठीक है ना, अब एक लड़का आएगा सामने सीधे से चलता हुआ, ठीक है ना, समझ रहे हो ना आप मेरी बात, वो आपसे आके यहाँ पे सामान देखेगा, पूछेगा कि भाई यहाँ का मालिक कौन है, मैं बैठा हूँ वहाँ, आप उससे कहोगे वो बैठे वो है मालिक इस दुकान के, ठीक समझ गए? नर्वस तो नहीं है? नहीं बिल्कुल। एक बार में हो जाएगा? एक बार में। ओके टीम रेडी, चलो कैमरा सेट करते हैं, चलो। अरे भैया मालिक कौन है इस दुकान के? मालिक वो है वो जो बैठे हैं व्हाइट शर्ट में। कट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे वाह सर क्या एक्टिंग करी आपने, प्लीज एक ऑटोग्राफ हो जाए। अरे सर एक सेल्फी। अरे अगला क्या सीन है? ओ छोटू इसे दुकान के बाहर भगा, चले आ जा। ये सीन थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, नहीं मतलब कैसा लगेगा, मेरा छोटू मुझे ही दुकान से बाहर कर रहा है, कोई दूसरा सीन लेके देखो ना। देखो पहली बात ये अब सीन नहीं रहा, ये एक हकीकत है। ओए छोटू इसे बाहर निकाल,
क्योंकि अब ये दुकान तुम्हारी नहीं हमारी हो गई है। चलो खड़ा हो जल्दी निकल। अबे छोटू मेरी दुकान है ये, पागल हो गया क्या? अरे मेरे मालिक बदल गए अब चल। चल जल्दी छोटू गलत कर रहा है ये। अरे ला ये मालिक की हमारे किताब। अब समझ गया मैं, वीडियो के बहाने से मेरी दुकान पे कब्जा करने आए हो दिन दहाड़े। अभी ला रहा हूँ पुलिस को बुला के, रुक जा तू। टीम अब दुकान अपनी हो गई है ये, अब जो हमारी पहली स्टोरी थी अब हम वो शूट करेंगे इसमें, ठीक है ना? साइन ले आया हूँ मैं। बहुत बढ़िया शाबाश, चलो लग जाओ, पहले इधर खड़े होंगे फिर उधर से शूट करेंगे। आओ सर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ फटाफट। ये देखो सर, ये रे वो तीनों, इन तीनों ने मिलके मेरी दुकान पे कब्जा कर लिया और मेरी दुकान से मुझे बाहर कर दिया। और ये जो है ना मेरा छोटू, ये भी उन्हीं के साथ मिल गया। अबे ये क्या सुन रहा हूँ मैं? सर आप सुनी सुनाई बातों पे यकीन कर रहे हैं? इंसान कुछ भी कह दे उसे सच थोड़ी मानता है कानून। पॉइंट है बात में, तेरे पास कोई सबूत है जिससे लगे तेरी दुकान है ये? सबूत हम दे रहे हैं, ये देखो मोटी मोटी रजिस्ट्री, 9 करोड़ में दे दी दुकान, ये रहे इनके साइन। और अगर ये भी तुम्हें फ्रॉड लग रहा है तो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ दरोगा साहब आ जाओ। वीडियो से तो मैटर सॉल्व ही हो जाएगा ना, दूध का दूध पानी का पानी जी। ये देखना, ये एक मिनट, ये तुम्हारा, ये देखो मालिक वो है वो जो बैठे हैं वाइट शर्ट में। अरे ये मेरी दुकान है, इन्होंने कब्जा कराया, ये मेरी दुकान है। ओ भैया अरे 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 भैया चलो अब बनाएंगे वीडियो और दुकान भी अपनी हो गई। चलो चलो उधर चले जाओ, उधर चले जाओ। अब क्या करूंगा? बढ़िया है बढ़िया। ओए जा तेरी दुकान खाली पड़ी, बन गई हमारी वीडियो, जा भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू।